Hi everyone, welcome to Rest IT. So my dear friends, today I am here to discuss 5 supermost sample pattern problems for your forthcoming GE Advanced exams from the chapters. So that is inverse trigonometric functions. You can expect 5 most important questions from trigonometric equations. You can expect most expected questions from trigonometric equations for your GE Advanced exams. So my dear friends, so this is my Rancor Mathematics. For GE Advanced experience, Rancor Mathematics contains 250 video lectures and each lecture consists of 5 questions. Out of 5 questions, few of them from first GE Advanced and few of them are very good conceptual questions like this. क्लियर, इसी टाइप का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आपका अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. ठीक है, क्लियर. सो दैट टाइम कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछा जाए, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस इजीली. सो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू क्रैक जे एडवांस्ड एग्जाम्स विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू वर्क हार्ड एंड दैट वन शुड बी अ राइट डायरेक्शंस. क्लियर, जे एडवांस्ड क्रैक करना है तो आपको तो हार्डवर्क करना पड़ेगा. वो हार्डवर्क आप लोग मेरे साथ कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए. Now we'll discuss like this. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है देखो, for x belongs to this, let alpha is this, beta is this, gamma is this and delta is this. ठीक है, clear. So my dear friends, cot inverse x minus pi by 2. ठीक है, ये जो रिलेशन है देखो, यहीं पे क्या है, alpha is equal to sin inverse x and beta is equal to x, gamma is equal to tan inverse x and delta जो है, so so that is cot inverse x minus pi by 2. इसका क्या मतलब है ना, इसका मतलब है tan inverse x है. ऐसा है एक्चुअली, देखो सपोज एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है लेकिन x का जो वैल्यू है 0 से 1 का बीच में है. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज सपोज ये ऐसा है, ये sin inverse x है, ये क्या है और क्लियर, ये y equal to x है, ये क्या है tan inverse x है. ठीक है, ये क्या है, सो दिस इज माइनस टेन इनवर्स एक्स है. ठीक है, ये क्या है माइनस टेन इनवर्स एक्स, ए टेन इनवर्स एक्स, ए वाई इज इक्वल टू एक्स, ए साइन इनवर्स एक्स. सो दैट मीन्स क्या हो रहा है, देखो साइन इनवर्स एक्स इज अल्फा, जो ऊपर है वो सबसे बड़ा है, सो दिस इज बीटा एंड टेन इनवर्स एक्स, सो दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज अ रिलेशन. So that means क्या, this substance is the right one. ये आपको समझना है. ठीक है, सारे कंसेप्ट तो आपको मालूम होना चाहिए, कंसेप्ट बिना ये क्वेश्चंस नहीं होगा. हमें कंसेप्ट मालूम है इसीलिए मुझे क्वेश्चंस कैच करने में भी आसान होता है. इसीलिए पहले तो आपको कंसेप्ट को समझना है. तो यह इसी टाइप का क्वेश्चंस को पहले समझने का कोशिश करो, फिर अच्छे से प्रैक्टिस करो. Now, with this questions, इसे समझने का कोशिश करो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली जे एडवांस एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है. सो माई डियर फ्रेंड्स, ये क्या होगा देखो, इफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आर द रूट्स ऑफ दिस, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस. जब ऐसा है क्लियर, यहीं पे सो दिस इज, जब ऐसा है देखो, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, ठीक है, क्लियर, सम ऑफ द रूट्स, सो दैट इज इक्वल टू सिक्स है. ठीक है, इसका मीन फाइन कर लो, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, ये क्या होगा टू है. ठीक है, ये क्या है, ये एरिथमेटिक मीन है. अभी इसका जो समीशन ऑफ एक्स वन एक्स टू क्या है, थ्री पी है, एंड समीशन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या है, ये तो टू पी है. अंडरस्टैंड, क्लियर. सो दैट इज, अभी इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा ना, हार्मोनिक में 3 बाय 1 बाई एक्स वन प्लस 1 बाई एक्स टू प्लस 1 बाई एक्स थ्री है. सो दैट इज व्हाट, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, एंड ये क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स वन एक्स टू है. सो दैट इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री क्या है, देखो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तो ऊपर चला गया, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज 6p है. ठीक है, एंड समेशन ऑफ एक्स वन एक्स टू ए क्या है, सो दैट इज व्हाट. ठीक है, समीशन ऑफ ए क्या होगा, सो दैट इज टू पी है, सो दैट इज. ठीक है, क्लियर, ए क्या है, समीशन ऑफ एक्स वन एक्स टू ए, सॉरी सॉरी सॉरी, समीशन, सो दिस इज थ्री पी है. ठीक है, एंड एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज इक्वल टू टू है, ये दोनों इक्वल है.
जब एरिथमेटिक मीन, ठीक है, एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन होगा, इसका मतलब है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू इक्वल टू एक्स थ्री है. सो दैट मीन्स सम ऑफ दिस इज सिक्स है. सो दैट मीन्स एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ऑल आर टू है. ठीक है, क्लियर. सो देयरफॉर एक्स वन इक्वल टू टू, एक्स टू इक्वल टू टू, एक्स थ्री इक्वल टू टू, यही पे पुट कर दो. सो दिस इज व्हाट, साइन इनवर्स 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू, ठीक है, 1 है. कॉस इनवर्स 1 है एंड टेन इनवर्स 1 है. सो ये क्या होगा, सो दिस इज पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर. सो दिस इज पाई बाई फोर. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस ऑप्शन इज द राइट वन. इसको आपको समझना है कैसे कर रहा हूँ. ठीक है, एरिथमेटिक मीन इक्वल टू जब हार्मोनिक मीन होगा, हर एक क्वांटिटी सेम होगा. ये कंसेप्ट जिसको मालूम नहीं है उसके लिए क्लियर, ये क्वेश्चन तो डिफिकल्ट बन जाए. नाउ अभी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को आपको समझना है. जब इतना बड़ा बड़ा डेटा होगा तो दिमाग में ये रखो सम ट्रिक इज देयर, वो ट्रिक को आपको कैच करना है. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज वो ट्रिक क्या है, देखो, सपोज कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा. सो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है, ऐसे ट्रायंगल ड्रॉ कर. ठीक है, सपोज यू कंसीडर दिस इज इज थीटा, ए होल ऑफ दिस वन, सपोज दिस इज, इसको मैंने क्या लिखो, इसको मैंने वाई लिखो. सो दिस इज इज वाई एंड ये क्या है, सो दिस इज एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर है. अभी क्या होगा, सो तुम्हें ये इसे फाइन करना है. ठीक है, इसका स्क्वायर जब इससे सेपरेट कर दोगे तुम्हें क्या मिलेगा, क्लियर. इसका स्क्वायर मीन्स क्या, देखो सारे टर्म ये हो जाएगा, खाली ये बच जाएगा. ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, सो दैट इज इज एन है. ठीक है, सो दैट मीन्स यू कन्वर्ट दिस वन. ठीक है, सो एन इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू जीरो से दिस एंड टेन इनवर्स एन बाई दिस. ठीक है, सो दिस इज एन स्क्वायर प्लस आर इन टू आर प्लस वन. सो लाइक दिस, तो ये छोटा हो गया. क्लियर, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपको थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करना है, नथिंग एल्स. ठीक है, दिमाग में ये रखना सम ट्रिक इज देयर, वो ट्रिक को मैंने कैच कर लिया. आप भी कोशिश करोगे तो आप भी कैच करोगे. कब पॉसिबल होगा, जब अच्छे ढंग से आप प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू इज समेशन आर इज इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन टेन इनवर्स. ठीक है, सो दिस इज वन प्लस आर प्लस वन बाई एन. सो दिस इज आर बाई एन, न्यूमरेटर को लिखो आर प्लस वन बाई एन. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज आर प्लस, देखो इसको तो मैंने एन से डिवाइड किया. सो दिस इज इज वाई आर बाई आर प्लस वन बाई एन एंड सो दिस इज माइनस आर बाई एन. ठीक है, सो जब एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, एन स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे सो तुम्हें वन बाई एन मिलेगा. ठीक है, सो लाइक दिस, सो दिस इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन एंड टेन इनवर्स आर प्लस वन माइनस एन. सो दिस इज टेन इनवर्स आर बाई एन. ठीक है, अभी जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक, क्लियर, तुम्हें ये सब 100 फाइन करना है. सो दिस इज, तो ए सीन इज वाई, जब आर का वैल्यू 0 है तो क्या मिल रहा है, देखो टेन इनवर्स 1. आर का वैल्यू जब 0 है माइनस 0. ठीक है, आर का वैल्यू जब 1 है टेन इनवर्स, सो 2 बाई एन माइनस टेन इनवर्स 1 बाई एन. ठीक है, एंड आर का वैल्यू जब 3 है, सो 3 बाई एन माइनस टेन इनवर्स 2 बाई एन. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज अप टू जब आर का वैल्यू जब क्या होगा, इन माइनस वन होगा, इन माइनस वन पे क्या हो रहा है, देखो, सो दिस इज टेन इनवर्स इन माइनस वन, सो दैट इज इज वन है एंड हियर इज व्हाट, सो दिस इज टेन इनवर्स. ठीक है, इन माइनस वन बाई एन. ठीक है, सो लाइक दिस. एक्चुअली ये इस टाइप का सम जब फाइन करते हैं, क्लियर, सो तुम्हें क्या करना है, जो बड़ा टर्म और छोटा टर्म को लिखते हैं, यहीं पे जो सबसे बड़ा टर्म है ए है, सबसे छोटा टर्म ए है, और जो सारे टर्म है ये सब कैंसिल हो जाएगा. जैसा ये इसका सब कैंसिल हो रहा है, ऐसा करके सारे टर्म कैंसिल हो जाएगा. सो बचेगा क्या, सो टेन इनवर्स वन माइनस जीरो वन.
सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, सो दिस इज इज 5/4 है, ये तो ऐसे है, लेकिन ये तो कांस्टेंट फंक्शंस हो गया, तो ए ऑफ 100 क्या होगा, सो दिस इज ए ऑफ 100, सो दैट इज इज 5/4 है, ये जस्ट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, नथिंग एल्स। Now we'll discuss two more questions. So my dear friends, these are questions with very good conceptual questions. This type of questions are the possibilities. The value of this. A kya hoga? So this is, dekho, isko 10 mein convert kar lo. So 10 inverse 2/9. 10 inverse 2/9 ka kya matlab hai? So that is, you can write 2/1 + 4 × 2. So that is what? 10 inverse 4 minus 2/1 + 4 × 2. So 10 inverse 4 minus 10 inverse 2. So this is 10 inverse 4/33. So this is 10 inverse. ठीक है, so 1 + 8 × 4. So 8 − 4. So 10 inverse 8 minus 10 inverse 4. ठीक है, and 10 inverse 8/129. So this is 10 inverse, देखो, and 1 + 16 × 8, so 16 − 8, so like this, so that is what, 10 inverse 16 minus 10 inverse 8 है, clear, so that means ये जो third term है, third term में क्या हो रहा है, so like this 2 to the power 4 है, and so that means क्या, so जो last term है, suppose in its term you can write, ठीक है, clear, AC is equal to, suppose मैंने ऐसा करके लिख रहा हूँ, T1 + T2 + T3, and so this is what, Tn, अभी T1 means क्या, 10 inverse, so that means जो इसका जो nth term होगा, clear, सारे, इसका जो sum है, so that is 2 to the power n plus 1 minus 10 inverse 2 है, ठीक है, देखो ये तो सारे diagonally cancel हो जाएगा, तो बचेगा क्या, छोटा term and जो बड़ा term है, so like this, अभी क्या है यहीं पे sum of infinite है, so this is n tends to infinity कर दो, so that is n tends to infinity, 10 inverse, ये क्या होगा, 2 to the power infinity तो infinity है, so this is 5/2 minus 10 inverse 2, so this is what, so this is 14 inverse 2 है, 5/2 minus 10 inverse 2, so that is equal to is what, 14 inverse 2 है, ठीक है, अभी क्या है, if the equation this has only one root alpha, then the value of this, ठीक, तो ये अच्छा वैसा होगा, यहीं पे एक condition से, b is less than c है, so that means, यहीं पे कुछ basic चीज apply करो, देखो, यहीं पे जब f of 0 का value क्या है, that is 1, so this is positive है, अभी a कब applicable होगा, ना जब f of minus 1 है, so this is minus 1 plus b minus c plus 1, so b minus c, देखो ये negative है, so that means क्या है, so this is what, minus 1 and this is 0, इसका बीच में एक root है, suppose you consider that root is alpha, you consider the law given here, so that means alpha is a negative root है, alpha जब negative root है, अभी इसका बारे में क्या सोचोगे, so this is twice 10 inverse, so ये क्या है, 1 by sin alpha, ठीक है, and so that is 10 inverse, 2 sin alpha, and जो 6 square alpha है, उसको ऐसा लिखो 1 minus sin square alpha, 2 10 inverse 1 by sin alpha, and so this is, इसको लिखो 10 inverse, 2 10 inverse होता है, 2 को कॉमन ले लो, so 10 inverse sin alpha, ठीक है, अभी इसका बारे में सोचो, so this is 10 inverse sin alpha, 10 inverse sin alpha, तो 10 inverse sin alpha लिखो, अभी ये क्या हुआ, ना, so this is minus pi plus 14 inverse, ठीक है, understood, so this is 14 words sin alpha, clear, तो ये क्या देगा, इन दोनों मिला के तो pi by 2 देगा, ठीक है, so this is what, pi by 2 minus pi है, so that is what, minus pi by 2, so this is minus pi है, so my dear friends, so this is equal to is what, so this is equal to minus pi है, ठीक है, तो ये सो इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है, आपको इसी टाइप का क्वेश्चंस को पहले समझना है, फिर अच्छे ढंग से
प्रैक्टिस करना है। कोई भी चैप्टर करने से पहले सारे थ्योरी को आप अच्छा से पढ़ लोगे, ऐसा नहीं है चाहिए एडवांस एग्जाम में आपको सारे चैप्टर पढ़ के जाना है। नो माय डियर फ्रेंड्स, आपको उसी क्लियर आप कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स भी चुन लो, लेकिन अच्छे ढंग से पढ़ के जाओ। कोई भी क्वेश्चन है यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन क्लियर। मेरा जो मकसद है इसी टाइप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के बाद आपका अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप चुटकी में उसे सॉल्व कर दोगे। सो दैट टाइम एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व विदाउट एनी डिफिकल्टी विदाउट एनी हेजिटेशन क्लियर। इसीलिए मेरा जो मेन टारगेट है, मेरा जो मेन मकसद है क्लियर, इसी टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आपका भी माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा क्लियर। सो दैट टाइम कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए यू कैन फाइट विद दैट क्वेश्चन। सो क्लियर, आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स नोबडी कैन चैलेंज यू, यू कैन चैलेंज ईच एंड एवरी क्वेश्चन जे आई कैन डू इट, आई कैन सॉल्व इट, ठीक है, ऐसा मेंटेलिटी आपका बन जाएगा। सो माई डियर फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम एंड ट्विटर फ्रेंड्स एज वेल एज ऑल सोशल मीडियाज अराउंड द वर्ल्ड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।